कोणार्क अपना शहर अपनी बात। भाजपा के स्वीकृत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी हमेशा अपने स्पष्ट और खुले विचारों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं और इस बार उन्होंने चर्चा का विषय चुना है उल्हासनगर के विधायक कुमार ऐलानी को लेकर। आइए तो जानते हैं क्या हैं उनके विचार अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के बारे में। देखिए, मैं भी सिंधी समाज से संबंध रखता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि पूरे सिंधी समाज ने पूरे भारत से और कई विश्व के सिंधी लोग जो समाज बसता है उसने राम मंदिर के लिए कुल मिलाकर 211 चांदी की ईंटें अयोध्या में जाकर दान की है और उसका मुझे बहुत ही आनंद है। जितना इसकी खुशी मनाया जाए, क्योंकि राम मन का निर्माण हो रहा, मंदिर का निर्माण हो रहा और सिंधी समाज का उसमें उसका हिस्सा न हो तो यह बात नहीं हो सकती। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम के प्रति हम जितना कुछ करेंगे उतना कम है। देखिए, जिस तरह से आमदार आनंद फानन में अयोध्या गए हैं, जिसके लिए उनकी कोई भी नियोजन नहीं था और केवल मात्र दो जो अपने चांदी की ईंट दी है, जबकि पूरे सिंधी समाज ने 211 दी है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उल्हासनगर जो है वह दान सुरों का शहर है। आप सवेरे देखेंगे लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गरीबों को देते हैं और कोरोना में हमने देखा किस तरह से समाज उमड़ उमड़ कर दान करता है। श्री राम मंदिर के लिए अगर पूरे समाज से नियोजन करके जाते तो उल्हासनगर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में उल्हासनगर में सिंधी समाज रहता है और उल्हासनगर से कम 100 ईंटें दी जाती। और जिस तरह से आमदार वहाँ पर गए हैं और उन्होंने जाकर केवल 2 ईंटें दी हैं, कहीं ना कहीं उल्हासनगर के लिए यह थोड़ी अगर देखेंगे तो हमको थोड़ा डिप्रेस करना या कहें कि हमारे लिए थोड़ा शर्मसार होना या हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर थोड़ी आंच लगना, ऐसे शब्द अगर इसके लिए प्रयोग किए गए तो कोई भी मेरे हिसाब से इसके लिए कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि आमदार कुमार ऐलानी, अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, सिंधी समाज के बड़े नेता महेश सुखरामानी, इस तरह के जब नेता गए हैं वहाँ पर, मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि उल्हासनगर से इन्होंने नियोजन किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं महेश सुखरामानी जी। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि महेश जी ने स्वयं और तुम्हारे बाकी दो लोगों ने, मुझे पता पड़ा एक कुमार ऐलानी और एक अनु मनवानी, इन्होंने एक एक ईंट दान करी है, बाकी किसी उल्हासनगर को अगर संपर्क नहीं किया गया इतना बड़ा कार्यक्रम रखने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इसकी भविष्य में सुधार हो सकती है और इसका अगर कोई प्रयास आमदार की तरफ से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लो अगर उनको ऐसा लगता है कि यह प्रयास नहीं आमदार कर रहे हैं, तो सिंधी समाज में केवल किसी पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं, ये राम मंदिर सभी हिंदुओं का मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी दल आकर इस तरह से उल्हासनगर की जो प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल 2 ईंटें गई है, सभी लोगों ने आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें नहीं तो धन का दान करना या किसी तरह से भी उल्हासनगर का एक नाम हो जिसमें मंदिर बनाने में उल्हासनगर का भी हिस्सा हो और हमें लगे कि मेरे भगवान के लिए मैंने भी चंदा दिया, ऐसी योजना भविष्य में सभी सिंधी समाज ने बनानी चाहिए। और जब ऐसा लगा कि भाई हमें यह करना होगा तो हम अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं उल्हासनगर का नाम ऊंचा नहीं, अपने खुद का नाम ऊंचा करने के लिए ये खाली फटाफट में 2 ईंटें तो नहीं लिखी गए? देखिए, यह प्रश्न जो आप कर रहे हो, मैं इस पर यही उत्तर दूंगा कि नियोजन की कमी, अनुभव की कमी, सही मायने में लोगों को साथ जोड़कर न चलना, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, सलाहकार सही नहीं होना, इसका तो हम विश्लेषण कर सकते हैं ना। अभी खुद का नाम ऊंचा करने के लिए गए या नहीं गए, ये तो एक मैं समझता हूँ विश्लेषण करना होगा, ऐसे सीधे आरोप करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आमदार बीजेपी के गए हैं वहाँ पर, महेश सुखरामानी जी गए हैं जो कई सालों से उन्होंने बीजेपी में काम किया है, आपका डायरेक्टली ऐसा कहना है कि उनको नियोजन करना नहीं आता है, उनको अनुभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको अनुभव नहीं है, उन्होंने अच्छे अच्छे नियोजन किए हैं और वो करते रहेंगे, इस मामले में जरूर चूक उनसे हुई है।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।